धोखेबाज, तूने इतने दिन से इसे घर में छुपा के रखा था ना? बोल, कौन है ये तेरी? माशूका है? महबूबा है? कौन है ये तेरी? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? माशूका तो मेरी फातिमा है, ये तो मर्जीना है। और मर्जीना तुमने बताया नहीं भाभी को? अच्छा तुम कैसे बताती? बताने वाला तो मैं था। भाभी जान ये मर्जीना है। मैंने सोचा आपके सर पे 5 बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ पड़ता जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी का बोझ कम करने के लिए मैं एक सर और ले आया। मतलब मैं मर्जीना को ले आया। मर्जीना इस घर की, मर्जीना आपकी नहीं कनीज। कनीज? आपकी नहीं कनीज। कनीज और हम? अगर बता सकते तो अभी बता देते कि काबुल की शहजादी है, और हमारी आंख छपकने से पहले हमारे सारे काम खुद ब खुद हो जाते थे। और यहाँ ये अली? कनीज, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वैसे ही हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते, तू और खर्चा बढ़ाने की बात कर रहा है। भाई जान आप खर्चे के बारे में मत सोचिए, आप अपने होने वाले चर्चे के बारे में सोचिए। जरा सोचिए आपके कितने चर्चे होंगे जब सबको पता चलेगा कि आपने एक कनीज को रख लिया है काम पे। आप हमेशा शाही सड़क में एक शाही जिंदगी जीना चाहते थे, ये वो शाही जिंदगी आपको यहाँ पर देगी। आपका सारा हुक्म मानेगी, आपके हुक्म की तामील करेगी। आप कहोगे कनीज जाकर पानी लेकर आओ, आपके लिए कुएं में से पानी भर के ला के देगी। आप इसको कहेंगे कि कावा लेकर आओ, ये आपको कावा बना के ला के देगी। और मेरे काम? भाभी आपके काम भी तो करेगी। आप बोलोगे इसको कनीज मेरे पैर दबा दो, तो ये आपके पैर दबा देगी। आप कहोगी कनीज मेरा सर दबा दे, आपका गला सर दबा देगी। हाँ मुझे लगता है कि हमें इसे रख लेना चाहिए। लगता तो मुझे भी है कि इसे रख लेना चाहिए, लेकिन इसकी दिनारी कौन देगा? दिनारी की फिक्र आप मत कीजिए भाईजान, वो सब मैं संभाल लूंगा। आप खाली शाही ठाट बाट का सोचो। हाँ ठीक है, रख लो इसे यहां, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन बेगम ये देख लेना कि इसे काम ठीक से करना आता भी है कि नहीं। जी। वो तो देखना पड़ेगा कि इसे काम आता भी है या नहीं। ये लो झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू लगाकर सफाई करो। पापा ने भूतनी को कनीज बना दिया। नाजिया भाभी ने तो हाथ में झाड़ू भी पकड़ा दी, अब ये भूतनी उड़ के मारेगी हमें। देखा कैसे बचा लिया मैंने, मुसीबत ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया था कि मैंने मुसीबत यूं साफ कर दी। और हम आपको साफ करेंगे। क्या कहा आपने? कनीज, कनीज कुछ और नहीं मिला आपको? अब क्या बोलता भाईजान, और भाभी अपने सवालों की तलवार लेके मेरे सीने पे खड़े थे। अगर कनीज नहीं बोलता ना तो मैं और मेरे बच्चों को सबको घर से बाहर निकाल देते। वो मर्जीना मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं किया है, ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मेरे मुंह से निकल गया। तुम तक घबरा क्यों रही हो? कुछ दिन की बात है, तुम यूं संभाल लोगी। लो संभाल लेंगे, कुछ नहीं संभाल पाएंगे। हमें तो पता भी नहीं कि इसे पकड़ते कैसे, हमारे घर में लोग होते हैं ये सब काम करने के लिए। सुनो एक बात बताओ, तुम अपने दांत खुद साफ करती हो या उसके लिए भी लोग होते हैं तुम्हारे घर में करने के लिए? क्या हुआ, झाड़ू लगाया या नहीं? जमीन शीशे की तरह चमकदार होनी चाहिए। ये कचरा आपने फैलाया ना, अब आप ही इस कचरे को साफ करेंगे। ये तो हमारी वजह से बाबा फंस गए। बाबा हम दे दीजिए। नहीं नहीं तुम ये काम मत करो, तुम खेलो, ये मैं कर लूंगा। बच्चों का तोहफा तो उन्हें लौटा दूं। इसे भी लेके जाना। वहां वहां क्या? कचरा। वो क्या है ना, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे काम में कमी निकाले।
सारे काम करने हैं, नक्शा बनाना है, 40 चोरों का सामना करना है, वो शिफाजान का पर्दाफाश करना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं झाड़ू निकाल रहा हूं। वाली बाबा वाह, मर्जी ना तुझसे क्या क्या करवा के मानेगी। हकीम साहब, ऐसा कौन सा जादू कर दिया आपने आज जिससे वो लाइलाज बच्चे ठीक हो गए? अगर हमने अपने जादू के बारे में आपको पूरा बता दिया तो फिर जादू किस बात का? ये बात भी सही है। ये सारी दौलत मैं आपके नाम करता हूं। मेरे जादू से इतने खुश हो गए क्या तुम? अरे खुशी से दीवाना हो गया हूं मैं, इलाज के लिए हकीम ढूंढ रहा था, और देखिए हकीम मेरे सामने बैठे, मेरी हर बीमारी का इलाज। देखिए हकीम साहब, आपके हाथों में जादू है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस जादू को मुनाफे में बदल लें? इस दनारी से हम दोनों मिलकर हिस्सेदारी में एक दवाखाना खोल लेते हैं। दवाखाना क्यों? अरे दहशत का माहौल है जनाब, बीमारों की कमी नहीं होगी, दवाखाना होगा तो और दिनारी कमाएंगे हम दोनों। लेकिन मुझे खजाना नहीं कमाना। ये बोलकर आप मेरी उम्मीदों का गला मत घोटिए, पहले ही आपके भाई मेरे भाई इस मेरे अरमानों पर पानी फेर चुके हैं, आप मुझे ना उम्मीद ना करें। अरे बिरादर, आपने हमारी पूरी बात तो सुनी नहीं, हमने कहा कि हमें खजाना नहीं कमाना, वो आप कमाए। मेरे लिए तो तुम बस ढेर सारे बच्चे लेकर आना, ताकि हम उनका इलाज कर सकें और ऊपर वाले के दिए गए इस तोहफे के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकें। माशाल्लाह कितने नेक इंसान हैं आप, समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने सारा मुनाफा मेरे नाम कर दिया। अरे आप फिक्र ना करें, मैं आपके पास खूब सारे बच्चे लेकर आऊंगा, परवाज का एक एक बच्चा आपसे इलाज करवाएगा, ये कासिम की जिम्मेदारी है। ये हिस्सेदारी बहुत यादगार बनेगी। अरे बिल्कुल, चलिए खुदा हाफिज। अभी तो मेरे भेजे हुए हम शकली बच्चे इस शहर में घूम घूम के उस तालिस्मान वाले जादूगर को ढूंढ रहे होंगे। और ये बेवकूफ मुझे उस बच्चे से मिलाएगा जो उस जादूगर के साथ था। यहाँ हमें दारा गाजी के पास जाना है, और अली है कि हमें फंसाते जा रहे हैं। दारा गाजी को ढूंढना बहुत जरूरी है, उनके बिना हम सिद्दाम को नहीं मार पाएंगे। दारा घर मैंने अकेले साफ कर दिया, फिर भी मोहतरमा का मिजाज बिगड़ा हुआ क्यों है? काम तो सारा मैंने किया है, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? ये भी कोई काम है? और भी जरूरी काम है हमें। हाँ भाई, और भी जरूरी काम है, जैसे कि मुसीबत को ढूंढना कितना जरूरी काम है। जी नहीं, अपने लोगों को ढूंढना, अपने लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन मैं कहां से ढूंढूं? क्या तुम्हारी हंसी? देखो भाई जी ना, एक बात है, तुम शाही सड़क में रहो या मामूली गली की बस्ती में, तूफान में रहो या चाहे कश्ती में, अमीरी में रहो या चाहे सस्ती में, लेकिन हमेशा रहो अपनी मस्ती में, क्योंकि मस्ती जिसकी जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना नरमो नाजुक वो बेकार में जिंदा है। अरे कनीस, काम हुआ कि नहीं? देखा भाभी, पूरा घर कितने अच्छे तरीके से साफ किया इसने। शाबाश। लेकिन क्या है ना अली, कि सिर्फ झाड़ू लगाने से काम का पता नहीं चलेगा, और भी काम है। सुनो कनीस। हाँ। ऐसा करो कि तुम पहले बर्तन धो, फिर कपड़े, और फिर घर में सबके लिए ना खाना बना दो,
सब काम कर दो बस एक काम छोड़कर। कौन सा काम? मुझे नींद से जगाने का काम। सोने जा रही हूँ मैं। इसका तो कोई काम आता नहीं, मतलब सारे काम तुझे करने पड़ेंगे बेटा अली। तो अली बाबा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो आप ना अपनी हस्ती और मस्ती दोनों जिंदा रखिए, क्योंकि हम तो चले। और हाँ, नाजिया भाभी को नींद से मत उठाइएगा। नर्म नाजुक अजीब लड़की है, शुक्रिया करने के बजाय भाभी को नींद से मत जगाना बोल रही है। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मैंने कुल्हाड़ी पे अपना सर मार लिया। भाईजान सलाम, आप जानते हैं कि अमन सराय का रास्ता किस ओर है? उस तरफ बिल्ली। भले ही हमें पता ना हो कि आप कौन हैं, लेकिन आज दुनिया के सामने आपकी सच्चाई हम लाकर रहेंगे कि आप हैं कौन। शुक्रिया। जीनापा का पीछा छोड़ दो जुरावर, वरना अच्छा नहीं होगा। अब छोटे बच्चे होके हमें धमकी देते हैं। सिर्फ कद छोटा है, हौसले नहीं। भूल गए पिछली बार क्या हश्र किया था तुम्हारा? अब हमारी ही छोड़ी हुई चिड़िया है। हम जानते हैं आपकी उड़ान कहां तक है। अगर उसी दिन इस चिड़िया की गर्दन मरोड़ देते तो आज आपकी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती हमें। ये कौन है अबू? ये मेरी अनचाही औलाद है जोरावर। अगर ये जिंदा रहा तो मेरी जायदाद के वारिस तुम अकेले नहीं बन पाओगे। विरासत चाहते हो और जायदाद में हक, तो ये तुम्हारे फैसले को आसान कर देगा। हमारी जायदाद में हिस्सेदार बनेंगे आप। आपके हिस्से में मौत लिखते हैं। हमें माफ करना आपको, हमारे जायदाद का ख्वाब देखने की जो गुस्ताखी आपने की है उसकी सजा यही है कि आप सारी उम्र मामूली गली के इस कूड़ेदान में जिए। अब आपके नसीब में ये यतीम खाना ही है। अब्बू को लगता है कि तू मर गया, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं कि मेरा नाजायज भाई जिंदा है। सालों पहले की गई गलती को सुधारने का वक्त आ गया है मात, मौका मिलते ही मैं तुझे जान से मार डालूंगा। भैया नफी, मुझे भी खेलना है। अरे अरे बच्चों, जरा आराम से, ऐसे खेल खेल में उछलते कूदते तुम लोगों को चोट ना लग जाए। नहीं कासिम भाईजान, हमें चोट नहीं लगेगी। अरे बच्चों, बाहर से चोट नहीं लग सकती है लेकिन अंदर से तो चोट लग सकती है ना। ये कासिम भाई के तेवर क्यों बदले हो? आज कोई खजाना मिल गया क्या? जिनकी जबान से खजूर की मिठास क्यों टपक रही है? देखो, बाहरी चोट से ज्यादा अंदरूनी चोट खतरनाक होती है, वो दिखती नहीं है। हाँ, जैसे गोल्ड ड्रेस की चोट बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर से, इसलिए तो हमारे साथ खेलने के बजाय अंदर कमरे में सो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबको मैं उस नए जादूगर हकीम के पास ले जाऊँ, ताकि अगर कोई बीमारी तुम्हारे अंदर पनप रही हो
तो वक्त से पहले उसका इलाज हो सके। वो बच्चों का मुफ्त में इलाज करता है। लेकिन भाईजान एक बार बाबा से पूछ लेते तो। अरे अली से पूछने की क्या जरूरत है, बचपन में न जाने कितनी बार मैं उसे इलाज करवाने के लिए लेकर गया हूँ। तुम लोग चलो मेरे साथ, और हाँ गुलरेज को भी ले लो। नहीं भाईजान, हम गुलरेज को अभी नहीं उठा सकते, वो बहुत मुश्किल से सोई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल तुम लोग तो मेरे साथ चलो। अरे चलो, यहां मेरे सारे काम हो गए, ये अभी तक सो रही है। नहीं नहीं सोने दे, इससे पहले तुझे दूसरा काम दे, तू निकल बेटा। उस जादूगर और तलिस्मान को ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। ये तो वही बच्चा है जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता था, लाइलाज बीमारी थी इसकी। बच्चा ढूंढ क्या रहा है? ए बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? आपने कहीं कोई तालिस्मान देखा है? नहीं, मैंने कोई तालिस्मान नहीं देखा। इसके गले में भी तालिस्मान नहीं, आखिर कहां गया वो तालिस्मान? बेटा ये क्या कर रहा है? कमीज क्यों खींची मेरी? बच्चा हूँ, थोड़ी शैतानी तो करूंगा ही। अच्छा, बच्चे तो मेरे भी हैं 5, लेकिन ऐसी बदतमीजी नहीं करते। चल कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब तो तुम चलने लगे, दौड़ने भी लगे, अम्मी तो बहुत खुश होंगी तुम्हारी। बहुत ज्यादा। और दादी? अम्मी से भी ज्यादा। लेकिन तेरी दादी का तो इंतकाल हो गया ना, तो फिर तुझे कैसे पता कि तेरी मम्मी से भी ज्यादा खुश है? बेटा तुम ठीक तो है? ये बच्चे इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे थे? ऐसा लगे जैसे बच्चे नहीं कोई शैतानी रूह। आखिर ऐसी कौन सी दवाई दी आपने इन बच्चों को जो इन लाइलाज बच्चों का इलाज इतनी आसानी से हो गया? मैं छोटे बच्चों का कोई भी इलाज कर सकता हूँ जादू से। जरूर शिफाजान ने इन बच्चों के नाम पर कोई घिनौनी चाल चली है, मुझे पता लगाना होगा कि जादू के नाम पर कौन सी साजिश कर रहा है शिफाजान। ये है मेरे शैतान हमशक्ल जो ढूंढेंगे तालिस्मान, और ये असली वाले रहेंगे मेरी कैद में। लीजिए जनाब, अब आपके बच्चे दुरुस्त हैं। मैंने अपने जादू से इनको ठीक कर दिया। बच्चों, बस यही होगा तुम सबका इलाज। कसीम ने काफी बीड़ी इकट्ठी की है, मगर इनमें मुझे वो बच्चा नजर नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं। तस्वीर वाला लड़का।